जय हिंद। एक बार फिर आपका अपना चैनल सिग्मा आर्ट्स क्लासेस बिरोल में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे 12वीं की छात्र छात्रा के लिए इतिहास के सबसे बेहतरीन ऑब्जेक्टिव को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग इतिहास के 12वीं के इतिहास के अध्याय एक हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व के सभी ऑब्जेक्टिव को देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है इस प्रकार है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो लड़काना नहीं होगा, पंजाब भी नहीं होगा, राजस्थान भी नहीं होगा, तो मॉन्टगोमरी जिले में स्थित है। किस जिले में? मॉन्टगोमरी जिले में हड़प्पा सभ्यता स्थित है। फिर दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थल कैसे थे? स्थल थे ग्रामीण क्या होगा नहीं होगा। फिर कस्बा भी नहीं होगा, टोला भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगरीय। क्या होगा? नगरीय। तीसरा प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो चार्ल्स मिशन विलियम जोन्स बकिंगम कनिंगम। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना का जो राइट आंसर होगा, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। फिर प्रश्न आ रहा है प्रश्न संख्या 4, भारत के पुरातत्व विभाग की स्थापना कितने ईस्वी में की गई थी? भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कितने ईस्वी में की गई थी? 1861 ईस्वी में इसका राइट आंसर होगा। सर जॉन मार्शल को डायरेक्टर जनरल कब नियुक्त किया गया था? सर जॉन मार्शल को डायरेक्टर जनरल कितने ईस्वी में नियुक्त किए गए थे? और इसका जो राइट आंसर होगा 1902 ईस्वी में। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा राजस्थान। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। हड़प्पा टीले की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा टीले की खोज कितने ईस्वी में किया गया था? 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले की खोज की गई थी। लोथल किस नदी किनारे बसा हुआ है? सिंध, रावी, सरस्वती और भोगवा। लोथल बसा हुआ किस नदी किनारे? सिंध, रावी, सरस्वती और भोगवा। तो इसका राइट आंसर होगा भोगवा। बनावली कहाँ स्थित है? तो बनावली जो स्थित है ना, बनावली स्थित है हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। उसके बाद धोलावीरा किस नदी किनारे बसा हुआ है? लूणी नदी किनारे। धोलावीरा कहाँ बसा है? लूणी नदी के किनारे। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है कैसा आकार है? हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार की आकार है? तो त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता के उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ क्षेत्र जो है ना, कितना किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है? तो 1100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर होगा? 1100 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ विस्तृत आकृति क्या रहेगी, कैसी बनेगी? 13 के जो राइट आंसर होगा 1600। कितना ईस्वी? 1600। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना होगा? 12,90,600 वर्ग किलोमीटर एरिया ऑफ हड़प्पा सभ्यता। अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा। क्या होगा? दूसरा। प्रश्न संख्या 15, कार्बन 14 विधि की खोज किसके द्वारा की गई थी या कब किया गया था? कार्बन 14 विधि खोज किया गया था अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री का नाम था, उसका नाम था V.F. लीवी। क्या नाम था? V.F. लीवी के द्वारा कार्बन 14 विधि की खोज की गई थी कितने ईस्वी में? आपको जो इसका राइट आंसर होगा 1946 ईस्वी में कार्बन 14 विधि की खोज की गई थी। सिंधबाग के रूप में किसे हम लोग जानेंगे? तो सिंधबाग के अंतर्गत पाया जाता है मोहन जोदड़ो। प्रश्न संख्या 17, काश की नर्तकी का साक्ष्य किस नगर से प्राप्त हुआ था? इसका भी राइट आंसर मोहन जोदड़ो ही हो जाएगा। पशुपति की मुद्रा का साक्ष्य किस नगर से मोहन जोदड़ो से ये पशुपति मुद्रा का साक्ष्य देखने को मिला था। इस वीडियो लेक्चर में मात्र 20 ही ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। फिर नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी
आप लोगों के सामने हम लेकर हाजिर होंगे। प्रश्न संख्या 19 में क्या बोल रहा है कि गोदी या बंदरगाह का साक्ष्य किस नगर से प्राप्त हुआ था? तो गोदी बंदरगाह का साक्ष्य हो गया लोथल आंसर। अग्निकुंड एवं भूकंप का साक्ष्य किस नगर से प्राप्त हुआ था? अग्निकुंड और भूकंप के साक्ष्य बोल रहा है किस नगर से प्राप्त हुआ था? अग्निकुंड और भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।